हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में डॉक्टरों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए समय से पहले 7 माह में जन्मी एक बच्ची को जीवन दान दिया। जन्म के समय मासूम का वजन मात्र 780 ग्राम था। जानकारी के अनुसार सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में 45 दिन पहले गर्भवती महिला की प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी। महिला ने 7 माह में ही 780 ग्राम वजन की एक बच्ची को जन्म दिया था। जन्म के तुरंत बाद बच्ची को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिस पर डॉक्टर्स एवं सपोर्ट स्टाफ द्वारा उचित देखभाल के बाद आज बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। शिशु रोग चिकित्सक इस्माइल दामड़ी ने बताया कि नवजात शिशु को 45 दिनों की चुनौतीपूर्ण देखभाल में रखने के बाद अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। वह बिना किसी जटिलता के बढ़ रही है। बच्ची का वजन अब 1 किलो से ऊपर हो गया है एवं आज उसे छुट्टी दे दी गई है। हमारे पास आज से करीब 46 दिन पहले अपने इसी अस्पताल में बच्चा जन्मा था, जो करीब 6.5 से 7 माह का था। सूर्या नाम है गर्भवती महिला का और बच्चा प्री मेच्योर था। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, जो बहुत प्री मेच्योर होते हैं, करीब उसका वजन 780 ग्राम वजन था ये। और सांस लेने में उसको गंभीर तकलीफ हो रही थी और हमने जब बच्चे को एडमिट किया तो बच्चा कंडीशन ऐसी थी कि माँ और उसके परिवार वाले भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसको हम रखें कि नहीं रखें यहाँ पर। कई बार उन्होंने हमारे से कहा कि हम बच्चे को नहीं समझ आ रहा है सर, तो हम घर ले जाते हैं, शायद नहीं रहेगा। पर हमारे स्टाफ ने सब ने उनको दिलासा दिलाई कि हम मेहनत करेंगे, आप भी करना। हमने कोशिश की और आज 46 दिन बाद बच्चा स्वस्थ है। बीच में कई बार उसको सांस लेने में तकलीफ होती रही, हम हर तरह का इलाज किया उसका। फिर नाक से नली डाल के जो दर्द दूध पिलाया, मुंह से चम्मच से, बच्चा अच्छे से दूध पी पा रहा। आज इसका वजन करीब 1 किलो आ गया ये और अपने आप माँ और बच्चा दूध पीने के लिए सक्षम है। और हमें खुशी है कि उसके परिवार वाले इससे बहुत खुश है। हम सभी परिवार, हमारा एसेंस हुआ परिवार, हम इससे काफ़ी संतुष्ट है कि हमने काम किया और ऊपर वाले की दया से आज बच्चा स्वस्थ है और घर जा रहा है। तो हम सभी परिवार वालों को और हमारे स्टाफ को धन्यवाद दे रहे हैं और बच्चा हम कामना करें बच्चा स्वस्थ रहे, उसी कामना के साथ। और एक हाँ, हमारे एक बच्चा एक और भी है जो करीब 25 दिन पहले बर्थी हुआ, 800 ग्राम की बच्चा है वो, और आज वो 925 ग्राम का वो बच्चा है और अभी वो एडमिट है, हमने रखा हुआ उसको। जब तक पूर्णतः स्वस्थ है तब तक हम उसको यहीं रखेंगे। सर ऐसे केस आए हुए हैं ये, बहुत हालांकि बहुत कम केसेस होते हैं जो मतलब 26 से 28 सप्ताह का बच्चा 780 ग्राम का तक वजन हो और वो पूर्णतः स्वस्थ होकर जाए, हमारे लिए खुशी की और एक गर्व की बात भी है। 800 ग्राम नो बच्चे तो मार बच्चू थी जाई हुए सर के तक आगड़ी ले जाओ, हमें आगड़ी ले जाओ ना कि दवा भी दवाखान आए भी सुविधा थी सके इनको नहीं मिली, पर हमें जे था हुई था कि आए आए सरवा दें कि दू हमारे बच्चों अच्छी थी जाई हुए सिस्टर की दू केमसी करवानी अच्छी साफ सफाई रखवानी नहीं दू नहीं आदू नहीं अड़वानू घर जाके भी ऐसा करना ऐसा बोल रहे थे। और इन चारों भाई थी वो भी हमें अच्छा सिखा रही थी और उन्होंने भी बोला अच्छा हो जाएगा तेरा बच्चा ऐसा बोला। कितने बच्चे हैं तुम्हारे पहले? ये पहला फर्स्ट बच्चू। हाँ पहला मैं खड़कदा खड़कदा तमन विश्वास तो के बच्चों जो है कई बार हमने सोचा घर ले जाए नहीं बच्चे का यूँ सोचा। मैंने बोला था मैं घर ले जाए, उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा घर नहीं यहाँ पर बड़ा हो जाएगा ऐसा बोला। यहाँ स्टाफ ने आपकी पूरी देखभाल करी? हाँ। अब आप घर जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम खुशी से जा रहे। जब आपका बेटी का जन्म हुआ जब आप यात्रा पे थे जानकारी हमें मिली बताइए। जानकारी मिले तभी मैं खुश हुआ, मतलब लड़की आई वैसे। इसके बाद में थोड़ी कंडीशन में भी नहीं थी तो मैं भी थोड़ा आप कहाँ थे जब ये आपको जानकारी मिली, कहाँ दर्शन कर रहे थे आप? हरिद्वार में। हरिद्वार में दर्शन कर रहे थे? हाँ। वहाँ पे आपको जानकारी हुई बेटी हुई मेरी? हाँ। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम, कैसा लग रहा था? पहले पहले जो बच्ची हुई ऐसा समाचार मिला तभी तो बहुत खुश हो रहा था मैं। और जब कंडीशन अच्छी हुई थी तो बहुत पहले बता रहे थे घबरा हुआ था, पर अब जब बच्चा स्वस्थ है और ये तो खुशी होके जा रहा, खुश होके जा रहा। आपका नाम बता दीजिए। दीपक। कहाँ के रहने वाले? खड़कदा में। पूरा नाम बताओ। दीपक डोंडियर। खड़कदा। खड़कदा। हाँ, जैसे सर ने बताया कि हमारे पहले 46 दिन पहले एक बच्चा आया था जो कि 780 ग्राम का था, तो जिसमें बहुत कम रहता है कि बच्चा बच पाते हैं, बहुत केयर ज़्यादा की ज़रूरत रहती है तो बच पाते हैं।
पर इसमें हमारे सर की और हमारे स्टाफ की, सबकी, काम वाली भाइयों की और ख़ास करके उसके मदर के विश्वास और जो भी उन्होंने काम किया उसकी बनस्पत आज उनके बच्चा पूरे मतलब 46 दिन बाद 1 किलो के लगभग होके घर जा रहा है, तो मुझे भी खुशी है। और ये एक प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं कि एक सही केयर और सही, जैसे छोटी सी टेक्निक होती है हाथ धो के बच्चे को लेना ताकि इन्फेक्शन बच सके, कि कंगारू मदर केयर होती है जिसके द्वारा हम प्रीटर्म बच्चों में खासकर हमें कंगारू केयर मदर की ज़रूरत, केयर की ज़रूरत होती है, जो इस पेशेंट ने बहुत अच्छी तरीके से किए, जो मैं रोज़ आके देखती थी कि वो KMC चेयर पे हमारा जो LED स्क्रीन रहती थी उस पर देख के कंगारू केयर मदर, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ ये जो हमारे कंगारू केयर मदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन की जो भी टेक्निक होती है उसका सही उपयोग करके इसने बच्चे को बचाया, और ख़ासकर हमारे स्टाफ ने, भाइयों ने और सर ने विशेष ध्यान देकर इसको आज अच्छा किया, और आशा करती हूँ कि आगे भी हम अच्छा काम करें। बच्चे का जन्म हुआ जब 46 से 48 डिग्री यहाँ पर तापमान था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम भी आपको जी सर, हमारे SNC का ये है कि हमारे भले टेम्परेचर 6 पर हमारे दोनों NIC और जो इनबोर्न है उसमें हमारे AC लगी हुई है, जिसमें हमारे जो ऑफिस स्टाफ और PMO सर में भी बिल्कुल समय समय पर AC अवेलेबल, ख़राब होने पे भी सूचना देके AC रहती है, टेम्परेचर के लिए मेंटेन करने के लिए भी, AC के साथ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी वार्मर रहते हैं, जैसे कि हमने AC ज़्यादा रही है तो वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो वार्मर का उपयोग करके बच्चे को सही केयर देते हैं।